हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराजम्बल का क्वेश्चन। और ये पैराजम्बल क्वेश्चन IBPS क्लर्क के लिए, IBPS PO के लिए, दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स और इवन SSC एग्जाम के लिए हाईली इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, पैराजम्बल को सॉल्व करने की जो ट्रिक्स हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो सेम रहती है चाहे पैराजम्बल छोटा हो या लेंथी हो। इसमें मैंने एक लेंथी पैराजम्बल लिया है जिसमें जी तक, ए से लेकर जी तक जिसमें सेंटेंसेस हैं, और इसको मैं डिस्कस करूंगा और सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप 2500 वर्ड्स की वोकेबलरी की ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंग्लिश एडवांटेज चैनल की, englishiq.in। मेरा नाम है बसंत सिंघल। चलिए शुरुआत करते हैं इस पैराजम्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, इसमें जी तक सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी अपनी सारी वीडियो क्लासेस में बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको पैराजम्बल को सॉल्व करते समय क्या करना है कि ऐसे सेंटेंसेस को एलिमिनेट करना है जो फर्स्ट सेंटेंस या टाइटल सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि पैराजम्बल एक पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होती है वो एक टाइटल सेंटेंस से होती है। और सबसे पहले आपको एक टाइटल सेंटेंस निकालना है, यानी ये जो पैराजम्बल है, यानी ये जो पैराग्राफ है, ये कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस को निकालने के लिए आपको ऐसे सेंटेंसेस को एलिमिनेट करना होगा जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकते। अब कौन कौन से सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकते? देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि उसका रेफरेंस नाउन के फॉर्म में पहले जरूर कहीं ना कहीं आया होगा। प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं? ही है, शी है, इट है, दे है, वी है, यू है, दिस है, दैट है, दीज है, इट है, ये सारे प्रोनाउन्स हैं। इसके अलावा जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ये कनेक्टिंग वर्ड्स है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर एक प्रोनाउन दिया है, यहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्रोनाउन है। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड है। अब देखिए, ये भी एक कनेक्टिंग वर्ड है, इवन इन ए मेजोरिटी गवर्नमेंट, यहाँ तक कि मेजोरिटी गवर्नमेंट में, यानी ये जो सेंटेंस, ये इवन का प्रयोग जो हम करते हैं, ये कनेक्टिंग सेंटेंसेस में हम करते हैं, बिगिनिंग इससे हम नहीं कर सकते। तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए, दिस बॉडी, दिस बॉडी मतलब किस बॉडी की बात हो रही है, उसका रेफरेंस जरूर आया होगा क्योंकि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये किसी पर्टिकुलर बॉडी को इंडिकेट कर रहा है जिसका रेफरेंस जरूर पहले कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में आया होगा। तो ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं बन सकता। अब देखिए, व्हाट इज देन, देन भी एक्चुअली एक्सटेंशन वाले सेंटेंसेस में आता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज देन इम्पोर्टेंट, मतलब तब फिर इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक्चुअली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देन एक कीवर्ड है और ये एक एक्सटेंशन सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। अब देखिए, यहां से देखिए, व्हेन मोस्ट पीपल अराइव एट द बैलेट बॉक्स दे वोट विद देयर गट। यहां पर देखिए, पहले नाउन है, हालांकि इसमें भी प्रोनाउन है, लेकिन इस प्रोनाउन ने इस नाउन को रिप्लेस किया है, यानी इस सेंटेंस में एक नाउन है तो सेंटेंस यहां से, पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो सकता है। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ ए मेजोरिटी और मेजोरिटी गवर्नमेंट दिस बॉडी, देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी दिस बॉडी आ रहा है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंटेंस आपका, ये जो पैराग्राफ है, ये यहां से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। देखिए, व्हेन मोस्ट पीपल अराइव एट द बैलेट बॉक्स दे वोट विद देयर गट, मतलब यहां पर वोटिंग की बात हो रही है। बैलेट बॉक्स मतलब जो चुनाव का जो बॉक्स होता है, उसके उसके बारे में इसमें बात हो रही है। व्हेन मोस्ट पीपल अराइव एट द बैलेट बॉक्स, जब काफ़ी सारे लोग चुनाव करने बैलेट बॉक्स पर आते हैं, दे वोट विद देयर गट, वो अपनी गट फीलिंग के आधार पर, उनका दिल क्या बोल रहा है, इसके आधार पर वो वोट करते हैं। तो हमने सारे सेंटेंस तो एलिमिनेट कर दिए जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, एफ ही केवल डिजर्व करता है फर्स्ट सेंटेंस बनने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका, इसमें आपका ये नाउन है और यहां पर नाउन को रिप्लेस किया है इस दे से, लेकिन इसमें सबसे पहले एक नाउन है और ये टाइटल सेंटेंस बन सकता है। अब देखिए, इसके आगे जो सेंटेंस आएगा उसका रेफरेंस भी हमको यहीं से लेना है। इसके आगे, एफ के आगे जो भी सेंटेंस आएगा उसका रेफरेंस एफ से ही मिल जाएगा। अब देखिए, इस सेंटेंस में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस सेंटेंस को देखिए, बी को,
बट गेटिंग देयर रिक्वायर्स एब्जॉर्बिंग एंड शेपिंग मंथ्स, लेकिन वहां पर जाने के लिए जरूरत पड़ती है। ये सेंटेंस बोल रहा है वहां पर जाने के लिए, गेटिंग का मतलब वहां पर पहुंचना या वहां पर जाना, गेटिंग देयर, ये देयर क्या है, ये देयर एक्चुअली इसका रेफरेंस है। जब हम यहां पर बोल रहे थे ना when most people arrive, जब पहुंचते हैं वेलेट बॉक्स पर तो वो अपने गट फीलिंग के आधार पर वोट करते हैं, ये देयर एक्चुअली, ये बैलेट बॉक्स की जो बात की गई है उसी के लिए ये देयर आया है। तो यहां पर हम एफ के बाद इसमें बी लगा देंगे। अब बी के बाद जो सेंटेंस आएगा उसका रेफरेंस बी से ही हमें मिलेगा। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, बट गेटिंग देयर रिक्वायर एब्जॉर्बिंग एंड शेपिंग मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस, लॉन्ग हेल्ड ओपिनियंस एंड आइडियली हार्ड फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। मतलब एक व्यक्ति जब चुनाव करता है तो उसमें उसका जो ओपिनियन बनता है कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बेकार है, उसमें काफ़ी सारे लॉन्ग हेल्ड ओपिनियंस का रोल रहता है, काफ़ी सारे हार्ड फैक्ट का रोल रहता है उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें हार्ड फैक्ट एंड एविडेंस की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए इस सेंटेंस में, देखिए इस वाले सेंटेंस में भी हम हार्ड फैक्ट और एविडेंस की बात कर रहे हैं ई में। What is then important for our electorate and the representative we vote for this is that they have an independent, non-partisan source for their hard facts and evidence. मतलब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा जो electorate है, जो वोट देता है, उसके पास एक independent, non-partisan information होनी चाहिए ताकि वो सभी party के बारे में सोच विचार करके decision ले सके। उसका जो decision होना चाहिए वो bias नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ बी के बाद चूंकि बी में भी हार्ड फैक्ट एंड एविडेंस की बात की गई है, ई में भी हार्ड फैक्ट एंड एविडेंस की बात की गई है, तो यहां पर हम लगाएंगे ई, ठीक है। देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं व्हाट इज देन इंपॉर्टेंट फॉर आर इलेक्टोरेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव वी वोट फॉर दिस इज दैट दे हैव एन इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीशन सोर्स फॉर देयर हार्ड फैक्ट एंड एविडेंस। यहाँ पर एक फैक्ट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड भी आया है, और इम्पॉर्टेंट वर्ड देखिए यहाँ पर भी आया है, दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। यानी यहाँ पर ये जो फैक्ट आया है, वॉट इज देन इम्पॉर्टेंट, ये जो फैक्ट बोला गया है इसके लिए यहाँ पर ये दिस आया है। तो एक तो यहाँ से रेफरेंस मिल गया हमें कि ये प्रीवियस सेंटेंस को रिप्लेस कर रहा है, एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है, दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, फिर अगले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, वो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ई में। मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल लॉजिक बता रहा हूँ कि लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए लगा देंगे। अब देखिए अगला जो सेंटेंस आएगा उसका रेफरेंस हम यहाँ से लेंगे, दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर आर पार्लियामेंट बॉडी which controls where and how many flows into our government and our country. अब देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री बॉडी एक नाउन है, इसको रिप्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आया होगा, ठीक है। अब देखिए डी में इसका रेफरेंस है, डी में यहाँ पर हम पार्लियामेंट्री बॉडी बोल रहे हैं, और डी में क्या बोल रहे हैं, दिस बॉडी नीड्स टू बी अपॉइंटेड नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एलिजियंस और एक्सपीडियंसी बट ऑन इट्स एक्सपर्टीज इन बजटरी फिस्कल एंड इकोनॉमिक मैटर। ये सही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं वो इस बेस पर सेलेक्ट नहीं होने चाहिए कि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कितना लगाव है, कितना बायस है वो, बल्कि उनकी एक्सपर्टीज क्या है बजटरी फिस्कल और इकोनॉमिक मैटर्स में। ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी लगा देंगे, दिस बॉडी क्योंकि आ रहा है यहाँ पर पार्लियामेंट्री बॉडी के लिए यहाँ पर आ रहा है दिस बॉडी नीड्स टू बी अपॉइंटेड नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एलिजियंस और एक्सपीडियंसी बट ऑन इट्स एक्सपर्टीज इन बजटरी फिस्कल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसका रेफरेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए इसमें भी जी में भी दिस बॉडी को मैंशन किया गया है, जी में भी हमने इस बॉडी के बारे में बात की है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ ए मेजोरिटी और माइनॉरिटी गवर्नमेंट दिस बॉडी सर्व पार्लियामेंटेरियन इक्वली एंड विदाउट प्रेजुडिस। मतलब इस सेंटेंस का यहाँ पर एक एक्सटेंशन मिल रहा है हमें। और डी जी के बाद क्या सेंटेंस बचेगा, देखिए यहाँ पर हम इवन इन ए मेजोरिटी और माइनॉरिटी गवर्नमेंट, यहाँ पर हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम मेजोरिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी, ठीक है। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा।
आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बेसिक सेम रहते हैं, चाहे पैराग्राफ लेंथी हो या चार सेंटेंसेस का हो या छः का हो या सात का हो, बेसिक सेम रहते हैं। और ये बेस्ट टेक्निक है, इस टेक्निक से आपको किसी भी तरीके के पैराग्राफ करना है। ये एक रियल पैराग्राफ क्वेश्चन है, बैंकिंग में ये पूछा गया है और आई होप इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब इन क्वेश्चंस चाहे कैसे भी हो, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस कौन सा है रीअरेंजमेंट के बाद? सेकंड सेंटेंस बी है रीअरेंजमेंट के बाद, ठीक है, और बी दिया है फर्स्ट में, तो इसलिए आंसर होगा आपका फर्स्ट। लास्ट सेंटेंस कौन सा है? लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट सेंटेंस है सी, और लास्ट सेंटेंस है सी, सी दिया है थर्ड में, आंसर होगा थर्ड। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? फोर्थ सेंटेंस है ए, और ए दिया है फोर्थ में, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट सेंटेंस है एफ, और एफ दिया है सेकंड में, तो आंसर होगा सेकंड। थर्ड सेंटेंस कौन सा है? थर्ड सेंटेंस है ई, और ई दिया है फर्स्ट में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और मैं बैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्रिक से ही आपको बताता हूँ, चाहे वो बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चंस हों या बैंक पीओ प्री के क्वेश्चंस हों। और ये बेस्ट टेक्निक है, इसको आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में। और यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बैंकर के लिए भी टारगेट बैचेस मेरे चल रहे हैं और बैंक पीओ के लिए भी। आपको कोई भी डाउट है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और इनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।